13 फरवरी 1911 को उर्दू के मुमताज शायर और अदीब फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट में पैदा हुए। फरवरी 1913 के इसी दिन सऊदी फरमानरवा हालद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में आँख खोली। उन्हें 1975 में शाह फैसल के बाद तख्त पर बिठाया गया। 13 फरवरी 1973 को बेगम राना लियाकत अली ने सिंध की पहली खातून गवर्नर होने का एजाज़ हासिल किया। फरवरी 2008 के इसी रोज़ पाकिस्तान ने 290 किलोमीटर तक मार करने वाले गजनवी खतब 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। आज के दिन पाकिस्तान और दुनिया भर में क्या हुआ, ये जानने के लिए टैलेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।